वेलकम टू द रियल एस्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आज फिर से लेके आए रो हाउसेस और ये देख सकते हैं इसका एलिवेशन। फ्रंट के अंदर में आपको एक बालकनी देखने के लिए मिलेगा और कुछ इस तरीके से इसका एलिवेशन डिजाइन दिया है। चलते हैं इसका विजिट लेते हैं। और इसके अंदर में आपको ये छोटे छोटे लाइट्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी ये बहुत ट्रेंडिंग में है, इससे काफी अट्रैक्टिव दिखता है आपका रो हाउस घर बोलो। और यहाँ पर आपको गेट लैंप भी देखने के लिए मिलेंगे। ये नाइट के अंदर में काफी इससे अट्रैक्टिव आता है, इसके अंदर में कलर कलर के होते हैं। ये कॉर्नर वाले का विजिट लेते हैं। एंट्री लेंगे तो आपको यहाँ पर एक गेट देखने के लिए मिलेगा। और ये रो हाउसेस काफ़ी ऊंचे ऊंचे बनाए हैं क्योंकि फ्यूचर में अगर यहाँ पर रोड बनेगा भी तो आपका जो रो हाउसेस होने वाला है वो नीचे ना जाए, इसलिए इन्होंने थोड़ा हाइट अच्छा लिया रो हाउस का। चलते हैं इसका विजिट लेते हैं। यहाँ से आप अपना टू व्हीलर वगैरह ऊपर ले जाके पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर एक आपको गेट देखने के लिए मिलेगा हैवी क्वालिटी का कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको गेट लैम्प देखने के लिए मिलेंगे। नाइट के अंदर काफ़ी अच्छा व्यू आता है। चलते हैं इसका विजिट लेते हैं अंदर से। यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये पूरा पार्किंग टाइल का यूज़ देखने के लिए मिलेगा। ये कॉर्नर का रो हाउस है तो ये साइड से भी आपको वेंटिलेशन रहेगा। यहाँ पर आपको एक बोरवेल देखने के लिए मिलेगा। पांच रो हाउसों के अंदर सेपरेट सेपरेट आपको बोरवेल देखने के लिए मिलेगा। और ये भी स्पेस देखने के लिए मिलेगा आपको। यहाँ पर आप अपना दो टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं, इसके अंदर आप फोर व्हीलर नहीं पार्क कर सकते अंदर की पार्किंग में। और यहाँ पर आपको एक टैप देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर अपना गाड़ी वगैरह वॉश कर सकते हैं ये पॉइंट से। और इधर में अगर आप फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, इसके अंदर अपना चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं ईवी व्हीकल को। यहाँ पर अपना पार्किंग कर सकते हैं। और ये आपका वॉल रहेगा फ्रंट के अंदर में, जो आपका पार्किंग का वॉल है ये इतनी इतनी साइज़ का है। ये टोटल पाँच रो हाउस थे, इसमें से ऑलमोस्ट सेल हो गए, कुछ रो हाउसेस अभी बाकी है। चलते इसका विजिट लेते हैं। और पहले आपको बताता चलूँ ये साइड से इसका विजिट लेते हैं। इधर से आपको काफ़ी स्पेस देखने के लिए मिलेगा। ये पूरा आपको इसके अंदर में नीचे पार्किंग टाइल का यूज़ देखने के लिए मिलेगा। और ये वेंटिलेशन के लिए आपको अच्छा है ये साइड से। ये कॉर्नर का है, ये देख सकते हैं। ये पीछे से आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको ये वॉशिंग एरिया रहेगा आपका, यहाँ पर एक टैब है। चलते सामने से इसका एंट्री लेते हैं। ये इसका बैक साइड से तो हो गया इसका। चलते अब इसका अंदर का विजिट लेते हैं। जैसे आप लिविंग रूम के अंदर एंट्री लेंगे तो यहाँ पर आपको एक वुड का डोर देखने के लिए मिलेगा अच्छी क्वालिटी का। और इधर में एक वेंटिलेशन विंडो मिलेगा, ये कॉर्नर का रो हाउस है तो। और ये वेंटिलेशन विंडो है हैवी व्हील के साथ में। और ये इसका ब्यूटीफुल सा लिविंग रूम है। लिविंग रूम के अंदर में ये साइड में ये मीडिया वॉल के दिए, यहाँ पर अपना टीवी वगैरह लगा सकते। पॉइंट देखने के लिए मिलेगा आपको इधर में। और ये साइड में भी एक वेंटिलेशन विंडो है लिविंग रूम में, ये एक वेंटिलेशन विंडो और ये एक वेंटिलेशन विंडो। ऊपर में पीओपी डिज़ाइन किया है, इसके अंदर में काफ़ी अट्रैक्टिव लाइट है। और यहाँ पर भी आपको काफ़ी स्पेस देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर में। और अभी इसका रीलिंग का काम बाकी है। ये साइड में ब्लैक और वाइट मार्बल का आपको यहाँ पर यूज़ देखने के लिए मिलेगा। ये इसका हो गया लिविंग रूम। ये इसका कॉमन टॉयलेट बाथरूम है जिसके अंदर कंप्लीट टाइल वर्क है। ऊपर आपको पीवीसी शीट का यूज़ देखने के लिए मिलेगा। और पीछे आपको एक मिनी साइज़ का वेंटिलेशन विंडो। और यहाँ पर आपको गीज़र के लिए पॉइंट दिया गया है। एक सिंक देखने के लिए मिलेगा आपको मिनी साइज़ का। और ये इसका पूरा कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया जिसके अंदर में पूरा टाइल वर्क किया है, 9 फीट तक के टाइल वर्क है। और इसका ये लिविंग रूम, ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम। और ये आता है इसका किचन। किचन आपको इसके अंदर में एल टाइप का देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी पूरा टाइल वर्क किया है किचन के अंदर में। यहाँ पर अपना इंडेक्स सेगड़ी वगैरह लगा सकते हैं, मिक्सर। और यहाँ पर अपना फ्रिज आ जाएगा। इसके अंदर में रैक देखने के लिए मिलेगा आपको ये साइड से। और सज्जा भी है इसके अंदर में अपना सामान वगैरह स्टोर करने के लिए। और किचन के अंदर में कुछ इस तरीके से उन्होंने ये पीओपी डिज़ाइन किया है। और ये पूरा इसका हो गया किचन। किचन पूरा हो गया इसका। और किचन के पीछे आता है इसका वॉशिंग एरिया, जो कि अपन ने पहले ही विजिट किया है वॉशिंग एरिया का। ये चलते हैं अब इसके फर्स्ट फ्लोर का विजिट लेते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, पीछे वॉशिंग एरिया हो गया, ये इसका किचन हो गया पूरा, किचन हो गया। और ये इसका हो गया कॉमन टॉयलेट बाथरूम। कॉमन टॉयलेट बाथरूम के बाद में ये हो गया इसका लिविंग रूम। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर का विजिट लेते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे अभी इधर में भी आपकी सेफ्टी के लिए पूरा रेलिंग वगैरह का काम होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक और वाइट टाइल का यहाँ पर यूज़ देखने के लिए मिलेगा आपको। और अपन अब आ गए इसके फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको इस तरीके से इसका डिज़ाइन है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम के साथ में अटैच बालकनी है। ये फर्स्ट बेडरूम में आप जैसे एंट्री लेंगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा इन्होंने यहाँ पर वर्क किया है वॉल के ऊपर में, देख सकते हैं। अभी ये ट्रेंडिंग के अंदर में यही चल रहा है वॉल के ऊपर में, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है।
फर्स्ट बेडरूम के अंदर में इस तरीके से सीलिंग डिज़ाइन किया है इन्होंने यहाँ पर। और इसके अंदर में एक वेंटिलेशन विंडो, दो है इसके अंदर में वेंटिलेशन विंडो, ये इसका एक वेंटिलेशन विंडो है और सेकंड वाला ये इसका वेंटिलेशन विंडो है। इसके अंदर में दो वेंटिलेशन विंडो है और ये डोर वगैरह की आप क्वालिटी देख सकते हैं। और इधर में आपको मिलेगा इसका बालकनी अटैच, ये इसका पूरा बालकनी आता है, ये इसका बालकनी हो गया और ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया। अब देखते हैं इसका कॉमन टॉयलेट बाथरूम बीच के अंदर, यहाँ पर इसका रहेगा कॉमन टॉयलेट बाथरूम। जिस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम था, पीछे किचन था, सामने लिविंग रूम था, यहाँ पर स्टेयरकेस थी और यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कॉमन टॉयलेट बाथरूम देखने के लिए मिलेगा। इसका लाइट ओपन करते हैं, ये इसका कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। जिस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पे था उसी तरीके से यहाँ पर एक वेंटिलेशन विंडो है और वहाँ पर आपको एक गीजर के लिए पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। मिनी साइज का एक सिंक है यहाँ पर और इसके अंदर भी पूरा टाइल वर्क किया गया है। इसकी हाइट देख सकते हैं आप, ये काफ़ी बड़ी साइज का है, 12-13 फीट का ही आपको हाइट देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ तक भी पूरा इन्होंने कंप्लीट टाइल वर्क किया है। यहाँ पर अपना नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है वाटर का टॉयलेट बाथरूम में, तो इसलिए इन्होंने पूरा टाइल वर्क किया है। और ये इसका मिलता है लास्ट और सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम के अंदर में काफ़ी अट्रैक्टिव इन्होंने यहाँ पर वॉल वर्क किया है, कुछ यूनिक है ये देख सकते हैं आप कलर वगैरह भी। और ये अपने आप और ऊपर में आपको POP डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी अच्छा। और टाइल वर्क भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी का किया है। इधर एक वेंटिलेशन विंडो हैवी व्हील के साथ में। और ये इसका हो गया सेकंड बेडरूम और वो इसका फर्स्ट बेडरूम और ये इसका कॉमन टॉयलेट बाथरूम है और ऊपर रहेगा इसका ओपन टेरेस। बात करते हैं इसके प्लॉट एरिया की, तो ये इसका प्लॉट एरिया आपको 700 स्क्वायर फीट देखने के लिए मिलेगा और इसका बिल्डअप एरिया मिलेगा आपको 1050। और बाकी के जो रो, बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये आपको 38 लाख के अंदर अवेलेबल होगा ये रो हाउसेस। बात करते हैं इसके लोकेशन की, तो ये आपको महाड़ा चौकपुली के अंदर अवेलेबल होगा जो कि देवले के अंदर अवेलेबल है। और देवले चौक से ये दो से ढाई किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 2 BHK का रो हाउसेस है। ऊपर में इसके अंदर में आपको सेपरेट बोरवेल देखने के लिए मिलेगा और ऊपर इसका 1000 लीटर का वाटर टैंक रहेगा। और ये लास्ट ऑप्शन अभी अवेलेबल है, बाकी के रो हाउसेज जो इसके ये सब सेल हो गए, ये इसका लास्ट ऑप्शन है। ये प्रॉपर्टी का अदर इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप ये साइट आके विजिट करना चाहते हैं, जनरली इंटरेस्टेड है, तो राइट साइड में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप ये साइट आके विजिट कर सकते हैं। और इसी तरह की प्रॉपर्टी अपडेट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने रिलेटिव में आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।